क्या दोस्तों आप चाहते हैं कि सेम टू सेम जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इसे टाइप करके आप पैसे कमाएं। इस तरीके से सिर्फ कैप्चरा आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेम टू सेम इस खाने में टाइप करना है और टाइप करके आप कमा सकते हो। इसमें ना तो आपको वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत है, ना आपको वॉइस ओवर करने की ज़रूरत है और ना ही आप वीडियो बनाएंगे। ये एक छोटा सा बच्चा भी जो है इस वर्क को आराम से कर सकता है। इस काम करने के लिए आज हम बात करेंगे आपने किस तरीके से जो है इस वेबसाइट पे काम करना है, इसका पे आउट कितना है यानी 1000 कैप्चर पे आपको कितना पैसे मिलने वाले हैं, और बात करेंगे कि इसमें आप पे आउट कितना ले सकते हो, और यहाँ पर आसान सा काम आज हम सीखेंगे और करेंगे भी। तो चलें शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो और जानते हैं पूरा तरीका। दोस्तों मैं हूं अपने लैपटॉप की तरफ। यहां पर आपने एक वेबसाइट है tocaptcha.com, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं इसका ओवर रिव्यू आपको करवा देता हूं कि ये कैप्चा जो है किस तरीके से आपने करना है। देखिए यहां पर स्टार्टिंग जो प्राइस आपको नज़र आ रही है वो $1 है 1000 सॉल्व कैप्चा पे। यहाँ पर कैप्चा का जो है वो आपको बाईपास API भी मिलेगा, PHP जावा CC+ के हिसाब से भी है, और ऑटो कैप्चा सॉल्व जो रिस्पांस है वो कम से कम 12 सेकंड का है, यानी 12 सेकंड में आपने इसे जो है वो हल करना होता है। इंस्टेंट पेमेंट है और इजी टू स्टार्ट है, और यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर रेट आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं। अगर आप एक रेट देखें 1000 नॉर्मल कैप्चा पे और $2.99 तक जो है ये मिलते हैं। कैप्चा सॉल्व जो स्पीड है वो 8 सेकंड की है और 4 सेकंड। अब इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि अगर $1 वाला कैप्चा 8 सेकंड में सॉल्व करते हैं तो उनका $1 का रेट है। इसी तरह 46 सेकंड वाला जो कैप्चा है वो 2.99 में आप अगर सॉल्व करते हैं तो वो इस तरीके से है, जैसे कि शुरू में मैंने आपको कैप्चा जो है सॉल्व करते हुए बताया भी था। अब यहाँ पर नीचे आ जाओ तो कैप्चा जो है वो रेट अलहदा हो जाता है, 10 सेकंड वाला, 20 सेकंड वाला, उनका भी जो 0.28 डॉलर से लेकर $1 तक जो है वो हो सकता है। अच्छा जी, फास्ट ऑनलाइन ऑटो कैप्चा सॉल्व करें, और इसके बाद जो है वो मैं अब आपको बता देता हूँ कि इसकी जो सपोर्ट जो है ये जो थर्ड पार्टी जो कर रही है पैथॉन PHP GS, ठीक है, ये सारे इनको सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपने सबसे पहले इसको साइन इन जो है वो इन कैसे करना है। अगर आपने सबसे पहले तो साइन अप कर लेना है, और जल्दी से मैं इसको जो है वो आपके साथ साइन अप करवाता हूँ। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस दे देना है, ठीक है ना। पासवर्ड यहाँ पर आप जो है वो कोई सा भी स्ट्रांग जो है वो रख सकते हैं। जो है वो मैंने पासवर्ड जो है वो अपना दे दिया है। अब इसको कंटिन्यू इस तरीके से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर साइन अप विद गूगल आपका जो अकाउंट है उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं अगर कोशिश करता हूँ यहाँ से, जो क्योंकि मेरा जीमेल जो है ऑलरेडी इसी पे बना हुआ है, तो मैं इसी को जो है वो साइन अप जो है वो करूँगा, और वहाँ से भी आप जो है दोनों रजिस्टर तरीके से मेथड जो है वो यूज़ करके आप कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा जीमेल अकाउंट है और यहाँ से जो है वो मैं इसे एक्टिव करूँगा, और ये देखें तकरीबन जो है मेरा अकाउंट जो है वो एक्टिव हो चुका है, और डैशबोर्ड पे आप आ चुके हो आई एम द कस्टमर या आई एम द वर्कर। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, तो मैं वर्क करना चाहता हूँ तो आप वर्क पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये मेरा डैशबोर्ड जो है वो नज़र आ चुका है। अब यहाँ पर देखें ये मेरा एक रेफरल आईडी भी आपको नज़र आ रहा है, रेफरल आईडी के ज़रिए से भी जो है वो आप अर्न कर सकते हो जी। अच्छा, अब बात करते हैं स्टार्ट वर्क की। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट वर्क जो है उस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने जो है वो इनका एक डैशबोर्ड जो है वो नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें उन्होंने कहा हुआ है कि डू दिस लैंग्वेज दैट यू अंडरस्टैंड, वो सी लैंग्वेज बताया जिसको जो आप अंडरस्टैंड करते हैं, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं वो आपको बताना है। आई डू नॉट आई नो द लेटर आई स्पीक दिस लैंग्वेज। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपने जो है वो सेव कर लेना है, क्योंकि मैंने इंग्लिश पे जो है वो वर्क कर लेना है, और यहाँ पर स्टार्ट का बटन नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर आपने इसे स्टार्ट कर लेना। अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट का जो है वो ऑप्शन आ गया, मैंने लिखना है यहाँ पर जो नज़र आ रहा है आपको 8950, ठीक है, इसको सेंड करना चाहते हैं आपसे सेंड करते हैं। अब आप चाहते हैं कि ये इस तरह का जो है वो आप कैप्चा जो है वो सॉल्व करके आप अर्निंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस तरह की जो है वो कैप्चा आए और आपने सिर्फ इसको इसी सेम तरीके से इंटर करना है और उसे सेंड कर दें,
तो ये आपका जो है वो बनता जाएगा। यहाँ पर देखें, अगर ये एम आई एन लिखा हुआ है, एम आई एन सेवन या मैक्स सेवन देखते हैं, अगर आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको जो है वो सेंड करेंगे अगेन, अगर नहीं होगा तो एरर आ जाएगा, कैन नॉट सॉल्व करके आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।